ओ गाइस, ये देखो यार, मैंने क्या खरीदा। टोनी स्टार्क ने यार सब उसके दोस्तों को थोड़े थोड़े रुपए दिए थे, तो यार मैंने तो देखो यार ये करोड़ों रुपए की बाइक खरीद ली है। ये बाइक की स्पेशलिटी देखो, बाप रे, इतने से रोड पे भी 250-300 की स्पीड पे चल जाती है। मैं अभी जा रहा हूँ ये टोनी स्टार्क को दिखाने के लिए, खतरनाक बाइक लग रही है ना। हाँ फिंकी भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक बाइक है। अरे शिनचैन, तूने अपने पैसों से क्या लिया? फिंकी भाई, मैंने तो एक्शन कामिन का सूट ले लिया। एक्शन कामिन बीम 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 बीम। अरे बहुत बढ़िया काम किया यार। देखो गाइस, शिनचैन ने तो एक्शन कामिन का सूट ले लिया और मैंने देखो ये वाली बाइक ले ली है। भाई ये बाइक में तो कोई झपी नहीं है, इतना बड़ा इंजन ना, इसमें मजा ही आ जाता है। चलो जल्दी से चलते हैं यहाँ पे अवेंजर्स हाउस में। अरे एक सेकंड यार, यहाँ से मुझे दूर से दिख रहा है सारे अवेंजर्स यहाँ पे ही है। ओडिन की कसम शिवा, तुमने तो बहुत अच्छे पैसे स्पेंड करे। अरे क्या बहुत अच्छे स्पेंड करे, मैंने सबसे अच्छे पैसे स्पेंड करे। ये देखो मेरी बाइक देखो। अरे ओडिन की कसम, तुम्हारी बाइक किसी को नहीं देख रही। फ्रैंकलिन, ये देखो शिवा ने क्या किया। अरे शिवा ने क्या किया गाइस, रुको देखने दो। अरे ये क्या यार, शिवा ने तो देखो ये पैसों से खुद के लिए गोल्ड के दो दो सूट खरीद लिए। भैया देखो, मैंने तो इतने तगड़े तगड़े दो सूट खरीद लिए। तुमने तुम्हारे सारे पैसे अपनी है ना ये वाली हीरो होंडा की बाइक पे खर्च कर दिए, और मैंने देखो दो इतने तगड़े तगड़े है ना हल्क गॉड के सूट ले लिए, और यहाँ पे टाइटन गोल्ड की कार भी ले ली। अरे वाह गाइस, ये देखो यार, ये बात तो सही किया। अरे पर यार मेरी हीरो होंडा की सुजुकी की बाइक नहीं यार, बहुत ही खतरनाक। देख कैसे ना, 500,000 CC की बाइक है, इसमें 300-400 की स्पीड जाती है। अरे 300-500 की स्पीड जाती है, पर तुम्हारी बाइक उड़ सकती है क्या? बाइक उड़ तो नहीं सकती, एरोप्लेन थोड़ी है, पर देखिए खुद से कैसे व्हीली मार रही है। अरे पर ये देखो, मेरा ये वाला जो सूट है, ये लेवल 1 वाला गोल्ड सूट है, कितना तगड़ा लग रहा है, ये भी तुम्हें पहन के बताता हूँ। और ये देखो लेवल 2 का है ना गॉड गोल्ड हल्क का सूट है, सारे एवेंजर्स को तो बहुत अच्छा लगा। अरे हाँ हाँ, मेरे को भी ऐसा गॉड हल्का सूट चाहिए, बहुत मजा आएगा। ओडिन की कसम, मैं तो एक गॉड हूँ, फिर भी मुझे ये वाले गॉड हल्का सूट चाहिए। अरे कैप्टन अमेरिका के पास ये सूट होता तो बात ही क्या बनती। मुझे भी दिलाओ ये वाला सूट। अरे मैंने ही तो पैसे दिए थे सबको। फ्रैंकलिन ने देखो पीछे है ना वेस्ट कर दिए बाइक पे पैसे, और शिवा ने तो क्या मस्त है ना अपने लिए हल्के सूट ले लिए। गाइस ये सब लोग यार मेरा मजाक उड़ा रहे, मेरी बाइक तुमको तो अच्छी लगी है ना। अरे फ्रैंकलिन भैया, तुम्हारी बाइक बहुत अच्छी है, पर तुम्हारी बाइक ये वाला काम कर सकती है? देखो मैं तुम्हें मेरा सूट बताता हूँ, ये देखो। अरे हाँ गाइस यार, मानना तो पड़ेगा शिवा का ये वाला सूट है, बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है भाई, भगवानों वाला सूट लग रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया, भगवानों वाला सूट नहीं है, भगवानों वाला ही सूट है, जैसा नहीं लग रहा। ये देखो मेरी पावर्स दिखाऊंगा ना अभी, तुम्हारे भी चट्टे पट्टे गुल हो जाएंगे। मेरे पास ये सूट के साथ देखो, मुझे इतनी खतरनाक थानोस की तलवार भी फ्री में मिली है, कितना खतरनाक लग रहा हूँ ना मैं, और मैं जब चाहूँ तब है ना हवा में भी उड़ सकता हूँ। और ये देखो मेरे पास पूरी धरती को हिलाने वाली पावर है, कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा हूँ ना मैं। अरे हाँ गाइस, ये देखो यार, लग तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है शिवा यार। पर यार ये वाला सूट में तेरे पास प्रॉपर उड़ने की पावर नहीं है, तू सिर्फ हवा में उड़ रहा है, मुझे पता चल चुका है। फ्रैंकलिन भैया, हवा में उड़ने वाली पावर तो दूसरे वाले सूट के पास है, तुम चिंता क्यों करते हो? अरे दिखा दिखा, वो वाला सूट भी दिखा यार। नहीं फ्रैंकलिन भैया, अभी मेरा दूसरा और भी ज्यादा पावरफुल सूट भी दिखाना पड़ेगा, इनको लगता है मैं कमजोर हूँ। ये देखो फ्रैंकलिन भैया मेरी पावर। अरे गाइस ये देखो यार, ये शिवा तो कितना ज्यादा डेंजरस लग रहा है, पर ये तो मेरा ज्यादा पावर वाला सूट भी नहीं है। अरे गाइस मैंने शायद मिस्टेक कर दिया यार, मुझे भी मेरे पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहिए था। पर देखो मेरा वो वाला सूट है ना, उसकी पावर तो इससे भी ज्यादा है, क्योंकि उसका अपग्रेडेड लेवल है। ये देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ धोती पहन रखी है, पर ये वाला जो सूट है इसके पास तो ऊपर भी आर्मर है, ये तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखो बताता हूँ। ये देखो फ्रैंकलिन भैया, अब ये वाला सूट पहन लिया मैंने, मैं तुम्हें इसकी पावर बताऊँ। ओडिन की कसम, ये वाला सूट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये वाला सूट पहन के तो मैं मैजिक कर सकता हूँ, ये देखो मैंने एक ही बार में कैसे सब जगह अपने आजू बाजू आग लगा दी। अरे वाह गाइस, ये देखो सच्ची में तो कितना डेंजरस है। और ये क्या किया? ये देखो मैं मेरी आंखों से है ना बॉम्ब भी फेंक सकता हूँ। आंखों से बॉम्ब फेंक रहा है, हाथ से जादू का बॉम्ब फेंक रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया, सिर्फ एक ही चीज होती है, ये देखो मैं फायर के टोर्नेडोज भी बना सकता हूँ जहाँ चाहूँ तो, क्योंकि मेरे पास फायर गॉड की भी पावर्स है। अरे वाह गाइस, देखो तो सर यार कितना डेंजरस लग रहा है ये तो शिवा में। और यार और क्या पावर्स है तेरे पास? अरे फ्रैंकलिन भैया, सबसे ज्यादा खतरनाक मेरे पास यार ये वाली एनर्जी का स्पेल भी है, जिससे मैं किसी को भी इंस्टेंटली मार सकता हूँ। और एक और चीज देखोगे, मेरे पास ये हवा में उड़ने वाली झाड़ू भी है। अरे वाह 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 गाइस, यार ये देखो शिवा ने तो बहुत बढ़िया काम कर लिया। फ्रैंकलिन भैया, अब तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि तुमने अपने पैसे वेस्ट कर दिए आलतू फालतू चीजों में, और मैंने तो इतने खतरनाक गॉड गोल्ड हल्के सूट ले लिए। देखो तुम्हारा मनी मीटर तो एकदम एम्प्टी है, मेरा मनी मीटर तो भरा हुआ है, और देखो यार मेरे पास तो इतने अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े सूट भी है। कैसा लगा तुम्हारा पोपट हो गया, बड़ा मजा आया ना? कोई पोपट वोपट नहीं हुआ मेरा यार, तेरे पास ऐसी हीरो होंडा की बाइक थोड़ी है जिसके पहिए इतने ज्यादा बड़े। गाइस ये देखो मेरी बाइक, देखो पीछे वाला पहिया तो कितना बड़ा है। ओडिन कसम, तुमने तो बहुत खराब पैसों का इस्तेमाल किया यार। फ्रैंकलिन बहुत बुद्धू हो तुम तो। अरे हाँ हल्क भी इतना बुद्धू नहीं है फ्रैंकलिन, तुम तो बहुत बुद्धू हो, तुमको ये गोल्ड गॉड हल्क के सूट लेने चाहिए थे टोनी स्टार्क।
स्टार्क ने जो पैसे दिए थे उससे। अरे गाइस अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार कि मैंने मेरे पैसे वेस्ट कर दिए घटिया सी बाइक पे। क्या करूं अब इस बेकार सी बाइक का तो नीचे गिर जा कोई काम की नहीं है यार। मेरे पास पैसे आए थे मुझे तो गॉड गोल्ड हल्का सूट ही लेना चाहिए था, पर अब क्या करूं अब तो मैंने लिया नहीं। देखो ये शिवानी तो ढंग से पैसे वापरे तो इसके पास दो दो टाइटन कार्स भी आ गई। एक काम करता हूं ना गाइस यार, तुम सब वापस से टोनी स्टार्क को बोलो ना कि मुझे थोड़े से और पैसे दे दे। टोनी स्टार्क तुम्हारी बात है ना को बिल्कुल भी नहीं टालेगा। टोनी भैया सुनो ना यार। अरे फ्रैंकलिन तू मेरे से और पैसे मांगने की कोशिश मत करना, मैं तुझे और रुपए नहीं देने वाला। मैंने तुझे ऑलरेडी बहुत सारे पैसे दे दिए थे और उसकी तूने एक खटारा बाइक खरीद ली। मैं तेरे से नाराज हूँ, मुझे तो लगा था तू कोई अच्छी चीज खरीदेगा पैसे से। मैं तुझे पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा, यहाँ से चला जा। गाइस ये देखो टोनी भैया तो गुस्सा हो रहा यार मेरे से। प्लीज 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 गाइस तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। देखो एक काम करो यार, तुम लोग है ना जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में ना मनी लिख दो मनी। अरे कोई भी कमेंट सेक्शन में तेरे लिए फ्रैंकलिन मनी नहीं लिखेगा, तू पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करता ना। अरे नहीं नहीं ये बार पैसे आएंगे ना तो मैं एकदम अच्छे से उनका इस्तेमाल करूंगा। प्लीज गाइस देखो तुम्हारे पास टोनी स्टार्क को कन्विंस करने का एक ही मौका है। अरे हाँ सब जनों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में मनी लिखना पड़ेगा और अगर मनी नहीं लिखना तो यार तुम है ना पैसों का इमोजी भी डाल सकते हो। ये देखो इतने सारे रुपए के इमोजी है, उनमें से किसी एक डालो, जितने भी इमोजी आएंगे उतने मैं फ्रैंकलिन को रुपए दूंगा। गाइस देखो यार तुम लोग बहुत सारे इमोजी डाल के मेरे को बहुत सारे रुपए दिलवा सकते हो, फिर सोचो यार मेरे को कितना तगड़ा हल्का सूट मिल जाएगा। अरे मैं तो सोच सोच के पागल हो रहा हूँ, मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर्स है, अगर सब जन है ना 5-5 इमोजी डालेंगे तो मुझे तो 2-3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे भाई, कितना ज्यादा मजा आएगा। कर दो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो और कमेंट सेक्शन में इमोजी भी डाल दो। अरे फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा इमोजी आ नहीं रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई चाहता है कि तुझे अच्छा हल्का गोल्ड सूट मिले। अरे नहीं 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 करेंगे सब जन करेंगे, मुझे सब पे पूरा भरोसा। गाइस कर दो ना यार इमोजी डालने में कैसी कंजूसी कर रहे हो। अरे चल ठीक है फ्रैंकलिन मैं देख रहा हूँ काफी जनों ने तो इमोजी डाल दिए, मनी भी लिख दिया, वीडियो को लाइक भी करवा दिया है। इसके लिए मैं तुझे थोड़े रुपए देने के लिए एग्री करता हूँ और थोड़े रुपए मैं तुझे हाथ में नहीं दूंगा क्योंकि तू पैसों का गलत इस्तेमाल करता है। मैं तुझे यार डायरेक्ट एक हल्का सूट दे देता हूँ जो काफी महंगा है। क्या मुझे डायरेक्ट हल्का सूट मिल रहा है, गोल्ड हल्का सूट है क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन वो इतना ज्यादा महंगा तो नहीं है क्योंकि इतने सारे कमेंट्स नहीं आए, पर यार फिर भी मैं तुझे काफी महंगा सूट देने को तैयार हूँ। गाइस देखो अभी भी मौका है, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो, पर ठीक है जो सूट मिल रहा है वही ले लूंगा। टोनी स्टार्क बताओ कौन सा सूट। अभी ये फ्रैंकलिन के बच्चे को सब लोगों के सामने शर्मिंदा करता हूँ, पूरे टाइम मेरे से भीख मांगता रहता है ना, अभी इसकी बेइज्जती होगी तब इसको पता चलेगा। अरे फ्रैंकलिन मेरे भाई मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा सूट देता हूँ यहाँ पे। अरे ये कहाँ पे जा रहे हैं टोनी स्टार्क यार, यहाँ पे जिम में क्यों, अच्छा बॉडी बनाने वाला है ना मेरे को सूट देने वाला है। अरे हाँ बहुत तगड़ी बॉडी है ये तो सूट की, आओ आओ जल्दी आओ। ओ मजा आ गई गाइस, बहुत तगड़ा सूट मिलने वाला है जिम में से, चलो चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ वहाँ पे, चलता हूँ लेट्स गो 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 गो। ओडिन की कसम टोनी स्टार्क तो फ्रैंकलिन को बहुत ज्यादा बेइज्जत करने वाला है। हल्को भी बहुत मजा आएगा, शिवा को भी सबसे ज्यादा मजा आएगा, सबसे बेस्ट गोल्ड हल्के सूट शिवा के पास ही होंगे। अरे पता नहीं ये लोग बाहर क्या क्या बोल रहे, मुझे कोई प्रैंक नहीं होने वाला, टोनी स्टार्क बताओ यार मेरा सूट का है। अरे फ्रैंकलिन ये देखो यार बाथरूम में जाके देखो, तुम्हें तुम्हारा हल्का सूट मिल जाएगा। क्या उसको वॉशिंग के लिए दे रखा है ना? अरे ऐसा हो सकता है ना यहाँ पे वो हल्की सूट की बहुत एक्सरसाइज करा है, इसके लिए उसके बहुत बड़े बड़े मसल्स बन गए, उसके लिए उसको धोने के लिए भेजाओ। कहाँ पे है यार हल्का सूट, ये देखो यहाँ पे गोल्ड का है ना ये है, पर यहाँ पे तो हल्का सूट नहीं दिख रहा मुझे। ये तो एक कमोड है जिसमें से हल्का का फेस निकल रहा है, शायद कोई टट्टी कर रहा है यहाँ पे। और एक और गोल्ड का यार वो है टोनी स्टार्क, तो देखो गाइस कितना ज्यादा रिच है, सब कुछ गोल्ड की चीजें लगा रखी है उसने अपने बाथरूम में। यहाँ पे देखो ये भी गोल्ड का है, यहाँ पे से कोई भी टॉयलेट में से हल्का फेस नहीं निकल रहा, कहाँ पे यार हल्का हर सूट की तरह मुझे दिख नहीं रहा। अरे फ्रैंकलिन तुम्हारे सामने ही तो है ये। अरे ये कैसा हल्का सूट है, ये तो कमोड वाला टॉयलेट हल्का सूट है, ये नहीं चाहिए मुझे। अरे फ्रैंकलिन इतने ही रुपए है, तुम अगर चाहते हो तो ये वाला सूट ले लो वरना तुम्हें कोई भी सूट नहीं मिलेगा। नहीं नहीं ऐसे मत करो टोनी स्टार्क यार, मेरे को इतना गंदा सूट क्यों दे रहे हो, प्लीज थोड़ा अच्छा वाला सूट दे दो ना। अरे नहीं मिलेगा, ये वाला सूट चाहिए तो ले लो वरना दफा हो जाओ। गाइस मैं क्या करूं यार, अब यार मेरे को एक हल्का सूट भी चाहिए, काश पैसे वेस्ट नहीं किए होते। गाइस तुम लोग अपने पैसे कभी वेस्ट मत करना यार मेरी तरह बुद्धू के जैसे। चलो अब कुछ कर नहीं सकता गाइस यार, यहाँ पे बुद्धू बन चुका हूँ तो यही वाला गंदा वाला लेना पड़ेगा, चलो यार ये सूट ले लेता हूँ। ओके गाइस ये देखो यार मैंने है ना ये गोल्डन कमोड वाला टॉयलेट हल्का सूट ले लिया है, पर यार ये देखो यार ये है ना, अब मानता हूँ मैं सोने का टॉयलेट वाला टॉयलेट हल्का है, पर यार टॉयलेट हल्का तो टॉयलेट हल्की रहेगा ना, टोनी स्टार्क की गलत किया यार मेरे साथ तुमने। अरे फ्रैंकलिन कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने पैसों का वेस्ट किया था ना इसके लिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। रुको गाइस एक बार ढंग से यहाँ पे आगे देखने दो यार मुझे, यार ये ना अच्छा है भी कि नहीं। ये देखो यार ये कमोड सीट पूरी प्योर गोल्ड की बनी है, 24 कैरेट सॉलिड गोल्ड, तो मतलब सूट काफी ज्यादा महंगा तो है पर फिर भी इसकी कोई इज्जत नहीं करेगा यार, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अरे हाँ ओडिन की कसम कितना बुद्धू लग रहा है फ्रैंकलिन तो। अरे ये सब जन आ गए। अरे ऐसा सूट तो मैं लू ही ना भाई, इससे अच्छा तो फ्रैंकलिन ही था। भैया रुको मेरे को सुसु आ रही है, अपने अंदर सुसु करने दो। ओए दूर हट मेरे से,
अरे नहीं सुसु, पार्टी सब कर दूंगा। ओए सुसु करी तो देखना, छोड़ूंगा नहीं, ये देख बंदूक तान दूंगा, मार दूंगा तुझे मैं। अब वो करो ठीक है, नहीं करता ना सुसु, तुम्हारे सब्सक्राइबर से तुम्हारे लिए पैसे नहीं करे उसमें मेरी क्या गलती है। अरे गाइस देखो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी भी कमेंट सेक्शन में ना पैसे की इमोजी डाल दो। देखो ऐसा नहीं है, जिसने पहले इमोजी डाल दी थी वो वापस से इमोजी डाल सकता है। देखो यार ये अवेंजर्स मुझे थोड़े और पैसे ढूंढने में मदद करेंगे, पक्का प्रॉमिस है ना। अरे हाँ फ्रैंकलिन, अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत सारे और इमोजीज डाले, मतलब जिन्होंने पहले नहीं डाले थे उन्होंने डाले और जिन्होंने अभी तक नहीं डाले थे उन्होंने भी डाले, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा थोड़े थोड़े पैसे लेकर आने में। अरे हाँ हल्क भी मदद करेगा, हल्क के पास भी थोड़े से पैसे। ओडिन की कसम, ओडिन के पास भी थोड़े पैसे हैं। अरे मेरे पास मेरा 1950s का सोना है जो मैंने वर्ल्ड वॉर में बचाया था, वो दे दूंगा। के पास भी थोड़े पैसे। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं भी तुम्हारी थोड़ी सी मदद करके तुम्हें एक अच्छा सूट दिला दूंगा। गाइस देखो यहाँ पे मेरे सारे दोस्त अपना पार्ट प्ले कर रहे हो, टोनी स्टार्क ने भी बोला वो भी देगा, हल्क भी देगा, थॉर भी देगा, कैप्टन अमेरिका भी देगा, और यहाँ पे इवन स्पाइडरमैन और शिवा ये दोनों तो बच्चे, ये भी थोड़ा थोड़ा अपना सोना मुझे देंगे मेरा गोल्ड मीटर बढ़ाने के लिए। तुम्हें तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना है भाई, नीचे पैसे की इमोजी डालनी है, गोल्ड की इमोजी डाल दिए, जल्दी जल्दी से डाल दो, फिर तो मुझे तगड़ा सूट मिल जाएगा एकदम। ठीक है फ्रैंकलिन भैया तुम्हारे लिए कमेंट से बहुत सपोर्ट है, चलो चलो सब जन जाके थोड़ा थोड़ा अपना सोना लेकर आओ, मैं भी जा रहा हूँ। अरे गाइस ये देखो शिवा तो कितना अच्छा यार, अब ये भी एकदम से मेरी मदद करने लग गया। फ्रैंकलिन भैया को थोड़ा थोड़ा सोना सब जन दान में दे दो, कमेंट में कमेंट करने के लिए थैंक यू। ये देखो यार यहाँ पे मेरा थोड़ा सा सोना रखा हुआ है, इसको मैं जाके फ्रैंकलिन भैया को दे देता हूँ। चलो गाइस ये देखो शिवा तो अपना सोना लेके मेरे पास आ रहा है। अरे ये शिवा अपना सोना दे रहा है तो मैं भी थोड़ा सा अपना सोना दे देता हूँ। यार मेरे पास तो बहुत पैसा है, पर मैंने फ्रैंकलिन को अभी तो गिफ्ट दिया था, इसके लिए थोड़ा सा ये टीवी के पास पड़ा ये दे देता हूँ मैं उसको। अरे गाइस देखो टोनी स्टार्क भी मेरे लिए सोना लेकर आ रहा है, बहुत मजाने वाली है। हल्क ने अपना सोना नीचे टोनी स्टार्क की वर्कशॉप में रखा था, हल्क खुद के लिए सोने की गाड़ी बनवा रहा था टोनी स्टार्क से, पर कोई बात नहीं यार सब लोगों ने कमेंट किया इसके लिए। यार ये देखो यहाँ पे जो हल्क का सोना है ना वो हल्क है ना फ्रैंकलिन को दे देगा। ये देखो यहाँ पे पड़ा है, हल्क ये सोना अपने इंजन पे लगवा रहा था, कोई बात नहीं पर फ्रैंकलिन को सोना दे देगा हल्क, फ्रैंकलिन अच्छा दोस्त है हल्क का। अरे वाह वाह हल्क भी सोना दे रहा है गाइस मुझे। ओडिन की कसम, हमने हमारा है ना सोना ऊपर छुपा के रखा था जिससे कोई चोरी ना कर ले, जल्दी जल्दी से मैं उसको लेकर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे खिलौनों के कमरों में रखा हुआ था मैंने, यहाँ पे हमने कितनी सारी चीजें रखी हुई थी, उसका गॉन्टलेट, टोनी की चीजें, मेरे हथियार, कैप्टन के कपड़े, और उसके साथ साथ है मेरा एसगार्ड का स्पेशल सोना, चलो ये भी दे देता हूँ। अरे वाह एसगार्ड का स्पेशल सोना भी मिलने वाला है मुझे तो। ओडिन की कसम फ्रैंकलिन का सूट तो बहुत अच्छा बनेगा एसगार्डियन सोने के बाद। अरे मैंने भी मेरा पुराने जमाने का सोना पीछे ही छुपा के रखा था ये थॉर के बाजू वाले कमरे में। स्पाइडरमैन भी अपना सोना लेने जा रहा है, स्पाइडरमैन ने अपना सोना तो अपने बिस्तर के नीचे छुपा के रखा है। अरे नहीं मैंने तो यहाँ पे सामने सामने ही रखा था, चलो चलते हैं ये फ्रैंकलिन को दे रहे हैं। गाइस ये देखो यार अब बस रहना सिर्फ स्पाइडरमैन का सोना आना बाकी है। मत करो यहाँ पे मैंने क्रिसमस ट्री के नीचे भी थोड़ा सा सोना रख रखा है क्रिसमस गिफ्ट के लिए, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना क्रिसमस ट्री के साथ, चलो इसको भी लेकर आ जाता हूँ चलो। अरे गाइस ये देखो मेरे सारे दोस्त मेरे लिए सोना लेकर आ गए, अब तो यार मेरा मीटर धीमे धीमे बढ़ गया एकदम से, मतलब मुझे और देर तक ये पॉटी हल्क नहीं रहना पड़ेगा। ये देखो स्पाइडरमैन का सोना, ये रहा देखो सबका सोना, चलो 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 सबका मैं सोना ले लेता हूँ गाइस। ओ गाइस ये देखो मैं सबका सोना एब्जॉर्ब करके, और ये क्या हो गया गोल्डन दबंग हल्क बन चुका हूँ प्योर गोल्ड का। अरे हाँ फ्रैंकलिन, और ये देखो एसगार्ड का जो तुम्हें थॉर ने सोना दिया था उसके कारण तुम्हारे पास ऑल फादर की पावर्स भी आ गई। अरे वाह गाइस देखो क्या ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है, ऑल फादर के टैटूज भी आ गए, प्योर गोल्ड का भी आ गया। फ्रैंकलिन अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें ना बचावा मीटर खुद से फिल करना है और खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है और एक प्योर गोल्ड के हल्क में कन्वर्ट होना है। अरे गाइस ये काम तो मैं पक्का करूंगा, देखो यार अभी तो मेरे पास कितनी तगड़ी पावर आ गई है, ये मेरे पास सबसे बेसिक वाला गोल्ड हल्क आया है, उसके बाद भी देखो मेरे को कितनी तगड़ी पावर्स मिली है, तो सोचो जब ये मेरा गोल्ड मीटर फुल हो जाएगा तब क्या होगा। पर गाइस देखो ये सब मैं तुम लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी नहीं कर पाता, तुम लोगों ने मनी कमेंट किया, पैसे कमेंट करे, गोल्ड नीचे कमेंट सेक्शन में डाला, तभी सारे मेरे दोस्तों ने दोस्त नहीं है दुश्मन जैसे ये शिवा तो मेरे अंदर सुसु करने का ट्राई कर रहा था, पर हाँ उन सब ने मुझे गोल्ड दिया। पर अब देखो यार तुम लोगों के सपोर्ट के लिए वेरी मच थैंक यू, पर अब मैं खुद को अपग्रेड करने के लिए पूरा है ना मोटिवेट हो चुका हूँ, लेट्स गो गाइस और पैसे और चीजों को कलेक्ट करने के लिए। गाइस देखो यार अभी है ना मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मस्त असाइनमेंट करने जा रहा हूँ, असाइनमेंट तो नहीं यार एक काम की है ना, मुझे पेपर में ऐड दिखी थी, यहाँ पे देखो है ना सुपर हीरोज की फोटो खींचनी है, उसके बहुत ज्यादा रुपए मिलने वाले। यहाँ पे देखो जाता हूँ, अरे भैया तुम ही हो क्या वो कैमरा वाले अंकल जिसने फोटो डाली थी? अरे हाँ 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 मैं ही हूँ, मैं लॉस सैंटोस का सबसे खतरनाक कैमरा वाला आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। अरे पर तो तुमने पेपर में ऐड क्यों डाली? अरे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पीछे लॉस सैंटोस के रहने वाली सारी फीमेल सुपर हीरोज की फोटो मैं खींचूं और सबको है ना एक कैलेंडर पे प्रिंट करके बेच दूं। अरे क्या कैलेंडर पे प्रिंट करके बेच दूं यार, ये कैसा घटिया आइडिया है भाई, कोई भी नहीं खरीदेगा। अरे सारे सुपर हीरोज की फोटोज एक साथ आज तक किसी ने भी नहीं खींची है, और पीछे पता है तुम्हें कौन
से एरिया में हम? अरे कौन से एरिया में? यहाँ पे सारी फीमेल सुपर हीरोज रहती है। ये देखो यार, यहाँ पे एक फीमेल सुपर हीरो कैसे मजे ले रही है अपने स्विमिंग पूल में बैठ के। यहाँ पे देखो दूसरी सुपर हीरो है ना, यहाँ पे मस्त सन बेथिंग कर रही है। अरे वाह वाह गाइस, मुझे तो पता ही नहीं था यार यहाँ पे इतनी सारी है ना लड़की वाली सुपर हीरोज रहती है। और भी जन रहते हैं क्या यहाँ पे? हल्क रहती है क्या? अरे हाँ वो भी रहती है। और यहाँ पे देखो सुपर गर्ल भी है। अरे वाह गाइस, ये देखो सुपर गर्ल यहाँ पे योगा कर रही है। और कौन कौन रहता है यहाँ पे? अरे ये देखो यार, बहुत सारे जन रहते हैं यहाँ पे। वांडा विच भी रहती है। अरे ये तो अवेंजर्स के घर पे थी, सुपर विजन की गर्लफ्रेंड है। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो रेड हल्क और ग्रीन हल्क भी है। अरे रेड हल्क कहाँ पे? मुझे रेड शी हल्क को देखना है। अरे फ्रैंकलिन उसको तो ढूंढना पड़ेगा ना तुम्हें। अरे हाँ हाँ, ये देखो ये यार रेड शी हल्क रही है यहाँ पे। देखो यार ये फिशिंग कर रही है। और ग्रीन वाली शी हल्क यहाँ पे ये क्या डांस कर रही है, बल्ले बल्ले कर रही है। फ्रैंकलिन तो यहाँ पे देखो सात फीमेल हीरो है, मतलब सारी की सारी हीरोइन है। अगर तुमने सातों की फोटो खींच के मुझे लाके दे दी तो मैं तुम्हें पर फोटो $10,000 दूंगा। क्या मतलब? अगर मैंने सातों है ना हीरोइंस की फोटो खींच ली तो मुझे $70,000 मिलेंगे? उससे तो यार मैं खुद को अपग्रेड कर लूंगा। हाँ फ्रैंकलिन, उससे तुम खुद को आसानी से अपग्रेड कर सकते हो, पर ये टास्क बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इनको अपनी फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता। अरे ये पहली लड़की होगी जिनको अपना फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता गाइज। हाँ इनकी फोटो खींचनी बहुत मुश्किल है। मैं इन सब लोगों की फोटो खींच के है ना एक कैलेंडर बनाऊंगा, फिर लॉस सेंटर्स में सबसे ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। जाओ और अपने फोन से उनकी फोटो खींच के लाओ। हाँ गाइस, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ यार, ये फोटोग्राफर करना क्या चाहता है। ऐसे सात दिन होते ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो सब यार कैलेंडर में एक एक हीरोइन की हम फोटो लगाएंगे और फिर यार उसको ये बेचेगा तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। इसके लिए देखो मुझे यहाँ पे है ना सात सुपर हीरोज की फोटो खींचनी है ये एरिया में से। चलो देखो यार, मुझे ऐसे तो बहुत सारे जनों की तो लोकेशन पता है। यहाँ पे देखो पहली सुपर हीरोइन तो यहाँ पे। वाह सो रिलैक्सिंग, मैं तो यहाँ पे पूल पे नहा रही हूँ, कोई मेरी फोटो नहीं खींचना क्योंकि मुझे फोटो खींचवाना अच्छा नहीं लगता। गाइस चलो यार, मुझे मेरा पहला टास्क पता चल गया। और ये कौन है गाइस? अरे ये कौन है? अरे मेरा नाम है बकी बान, मैं तो बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। अरे गाइस ये तो कैप्टन अमेरिका का दोस्त है बकी बान। एक काम करता हूँ ना, इसकी भी फोटो लेके उसको बेच दूंगा $10,000 में। इसके बाल थोड़े बड़े तो लड़की जैसा ही दिख रहा है ना। अरे देखो मैं तो कितना हैंडसम हूँ यार। पर है ना मैं इसकी फोटो अभी पहले नहीं खींचूंगा गाइस, क्योंकि उसको शक हो जाएगा। एक काम करता हूँ, पहले जाके ना दूसरी अच्छी एक्ट्रेस की फोटो लेकर आता। एक्ट्रेस नहीं मतलब फीमेल जो सुपर हीरो है। चलो चलो जाता हूँ, कहाँ पे जाऊँ? ये देखो इसके पास जाता। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलो चलो कोई बात नहीं, देखो गाइस इनकी फोटो खींचनी है। अभी देखो फोटो खींचनी है तो नीचे तुम्हें है ना फोटो का इमोजी डालना पड़ेगा। फोटो का तो नहीं मतलब फोन का इमोजी डालना पड़ेगा जिससे मैं इनकी फोटो खींच पाऊँ। चलो यहाँ पे मैं मेरा फोन निकाल लेता हूँ, इसकी कैमरा वाली ऐप निकाल ली। और ये देखो मैंने यहाँ पे जूम सेट कर रहा। ओके ओके ढंग से लेना है। अरे अच्छा सा फोटो लेना, एकदम ब्यूटीफुल सा। अरे हाँ हाँ इतना अच्छा सा बढ़िया सा तो फ्रेम कर रहा हूँ। ये देखो अभी पीछे तो गाइस यार यहाँ पे है ना ढंग से फोटो नहीं। एक काम करता हूँ, मेरे को थोड़ा सा उस तरफ से जाना पड़ेगा, उस एंगल से लेता। किसकी आवाज आ रही है? मेरे घर में कोई घुसा है क्या मेरी फोटो लेने? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं घुस के आया, कोई फोटो नहीं लेना यार। इनको तो शक हो गया कि कोई फोटो लेना है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे गाइस झाड़ियों में घुस जाता हूँ, झाड़ियों में से फोटो ले लूंगा। हाँ 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 ये देखो यहाँ पे छुप गया हूँ मैं। ओ आगे जाओ आगे जाओ। ओके यहाँ से एकदम बढ़िया एंगल आ रहा है। चलो यार यहाँ पे कैमरा निकालता हूँ। हाँ हाँ गाइस एकदम बढ़िया सा आर्टिस्टिक फोटो आ रहा है। चलो यहाँ से तो देखो इनका फेस भी नहीं आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये देखो यहाँ से फोटो खींची और ये पिक्चर क्लिक कर ली मैंने। ओ चलो जल्दी झाड़ियों में छुपा था। अरे फ्रैंकलिन मुझे फोटो सेंड करो, मुझे देखनी है जो तुमने पहली फोटो भेजी। अरे हाँ हाँ ये देखो मैंने तुमको है ना व्हाट्सएप पे भेज दिया। अरे वाह वाह ये तो बहुत ही तगड़ी फोटो खींची है, ठीक है अब मुझे दूसरी हीरोइन की फोटो खींच के दो। ओके ओके गाइस देखो ये पहली सुपर हीरो की तो मैंने यहाँ पे फोटो खींच ली। ये यहाँ पे पूल में बैठी थी, कितनी सुंदर हीरोइन है। चलो नेक्स्ट अब एक काम करता हूँ, बकी की फोटो भेज देता हूँ यार इनको $10,000 के लिए। अरे हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छी हीरोइन की फोटो भेजी है, ये लो तुम्हारे $10,000। गाइस देखो पहली हीरोइन की फोटो भेज दी तो मेरे को $10,000 मिल गए, मेरा मनी मीटर ऊपर चला गया। अब यार ये वाली हीरोइन की फोटो भेजूंगा जो असली में हीरोइन नहीं है पर बस बाल लंबे, पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। थोड़ा पास जा सकता हूँ। चलो यहाँ पे जाता हूँ मैं। और ये कैमरा की ऐप चालू करी मैंने वापस से। और ये देखो बढ़िया सा ये ज़ूम हो गया। अरे वाह 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 आई एम सो हैंडसम। ओ ये देखो गाइस ये फोटो खींच ली मैंने इसकी। अरे ये तो बहुत ज्यादा मजेदार फोटो है, वो झुक के कर रहा था मैंने फोटो ले ली। ये देखो यार कैमरा वाले भैया तुमको एक और फोटो भेजी एक और हीरोइन की, इसका फेस भी एकदम ब्लर है, इसको पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह वाह तुम तो बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट निकले यार, ये लो तुम्हारे और $10,000। गाइस देखो दो काम तो हो गए, बस और पांच जनों की फोटो लेनी है। चलो यार पड़ोस वाले घर में पहले चलता हूँ, फिर धीमे धीमे करके सारे घरों में चला जाऊंगा। पर गाइस पड़ोस वाले घर में जाओ उससे पहले मैं यहाँ पे नीचे वाले एरिया में जाके यहाँ पे है ना रेड शी हल्क और ग्रीन शी हल्क की फोटो ले आता हूँ ना। मैं तो एक हल्क हूँ, ये लोग तो मुझे अपनी फोटोज लेने भी देंगे, मैं उनको प्यार से बोलूंगा। तो चलो चलो चलता हूँ यहाँ पे। अरे शी हल्क सुनो। अरे कौन आ गया मेरे को परेशान करने, मेरी फोटो मत लेना। अरे शी हल्क मैं हूँ गोल्ड हल्क। अरे तुम भी एक दूसरे हल्क हो क्या? अरे हाँ हाँ एक हल्क हूँ देखो, ऑल फादर पावर वाला हल्क हूँ मैं भी।
अरे क्या चाहिए तुमको, जल्दी जल्दी बताओ, मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं चलूंगी, मैं सिर्फ रेड हल्क को डेट करती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी एक फोटो खींचनी है जिससे तुम एक बहुत फेमस हीरोइन बन जाओ। क्या तुम्हें मेरी फोटो खींचनी है? ओह माय गॉड, ठीक है खींच लो, एकदम कैंडिड फोटो लेना, मैं यहाँ पे बिना फिशिंग कर रही हूँ तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो गाइस, देखो इसने तो हार मान लिया, पता नहीं उसने क्यों बोला था इनको फोटो खींचाना अच्छा लगता, ये सब तो बहुत बढ़िया लग रही है। चलो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे फ्रेम करी, अच्छी लग रही हूँ ना एकदम। अरे एकदम सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, वाव लग रही हो। ये अंकल जी देखो, ये है ना रेड हल्क की, मैंने आपको फोटो भेजी, रेड शी हल्क की। अरे हाँ, बहुत ही ज्यादा तगड़ी फोटो है, और सामने देखो ग्रीन हल्क भी खड़ी है। ये मेरी बहन की फोटो ली रेड हल्क की, मेरी भी फोटो लो जल्दी जल्दी से, दूर से खरीद खींच लो, तुम्हारा जूम बहुत बढ़िया होगा ना कैमरा पे, तुम्हारे पास तो अच्छा फोटोग्राफर वाला कैमरा है। अरे हाँ बात तो सही कह रही है आंटी, चलो यार ये शी हल्क की फोटो यहीं से खींचने के लिए मैं कैमरा चालू कर लेता हूँ। और ये देखो कैमरा चालू हुआ, ओहो बढ़िया फोटो आ रही है क्या? नहीं 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 गाइस देखो, थोड़ी बढ़िया फोटो नहीं आ रही, मुझे थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट करें तो। हाँ हाँ कर दिया, वाह एकदम बढ़िया फोटो आ रही है अब तो। अरे हाँ एकदम बढ़िया फोटो आ रही है गाइस, बस अब मुझे परफेक्ट है ना उनके डांस मूव का वेट करना है। और ये देखो, ओके मैंने क्लिक कर दी फोटो, अरे वाह ये फोटो भी कितनी ज्यादा तगड़ी है, ये इसको भी भेज देता हूँ। अरे वाह वाह वाह, ये ग्रीन हल्क की भी फोटो बहुत आ गई है, बढ़िया तुमने 4 फोटो भेज दी है। देखो मैंने तुम्हें $40,000 सेंड कर दिए, बस तुम्हें मुझे 3 और फोटो भेजनी है। ओह गाइस मजा आ गई यार, 3 और फोटो आ जाएंगी फिर तो मेरे बैंक बैलेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी देखो मुझे ये वाले घर में यहाँ पे स्कारलेट विच की फोटो खींचनी है। मेरी फोटो मैं किसी को नहीं खींचने दूंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरी फोटो खींचता है, कोई भी मेरी फोटो खींचना आया तो मैं उसका है ना भरता बना दूंगी। मैं ईविल विच हूँ, ईविल, भले ही अवेंजर्स में ऊपर मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हाँ गाइस यार ये स्कारलेट विच तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे ना कुत्ता उत्ता बना देगी अगर इसने मुझे फोटो खींचते हुए देख लिया तो। पर एक काम कर सकता हूँ ना गाइस, दूर से तो कर ही सकता हूँ, इसको थोड़ी ना ध्यान आएगा। अरे मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहा, कैसा जादू कर रखा है स्कारलेट विच ने। अरे सच्ची में गाइस कुछ जादू ही कर रखा है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऊपर बालकनी में चढ़ता हूँ। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अरे अरे ये देखो हवा में उड़ रही है, जल्दी से इसका फोटो लेता, हवा में उड़ते हुए भाई बहुत पैसे मिलेंगे। ये देखो मैं तो मेरा काला जादू इस्तेमाल करके हवा में उड़ रही हूँ, कितनी ज्यादा बढ़िया लगी। और नहीं नहीं मुझे फेस वाला फोटो चाहिए यार, ऐसे पता कैसे चलेगा स्कारलेट विच है। अरे हाँ बात तो सही है गाइस यार, रुको रुको रुको, मेरे को मैं ना कैमरा का एंगल चेंज करना पड़ेगा। ये फोन निकाला वापस से मैंने, यहाँ पे आ रहा है क्या? अरे ये तो फिर से घूम गई, नहीं नहीं घूमी नहीं, घूमी नहीं, नहीं, नहीं ये रे। अरे पर मैं अब यार हवा में नहीं उड़ रही है, इनका हवा में उड़ने का वेट करो। अरे नहीं नहीं हवा में उड़ने का कहाँ वेट करूंगा यार, रुक जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, अब ये जैसे ही हवा में उड़ेगी ना मुझे इनकी फोटो लेनी पड़ेगी। और ये देखो हवा में उड़ी। अरे अभी हवा में उड़ूंगी, देखो सबके चट्टे पट्टे गुल हो जाएंगे, ये देखो हवा में उड़ी मैं। अरे अरे ओ खींची फोटो, खींच ली क्या? अरे गाइस नहीं नहीं यार, इनके पैर जमीन पे आ गए थे, पर देखो ये फोटो सेंड तो करके देखता हूँ यार, इसको अच्छी लगेगी नहीं फोटोग्राफर को। अरे ब्रो तुम तो क्रेजी हो, तुमने स्कारलेट विच की भी फोटो ले ली तो कितनी ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें पता है ना? अरे हाँ हाँ बहुत डेंजरस है मुझे पता है, पर मैंने देखो ले ली। चलो गाइस एक और $10,000 मिल गया, मैं नेक्स्ट घर में चलता हूँ। यहाँ पे तो सुपर गर्ल है, योगा कर रही है, सुपर गर्ल को तो फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है, मेरी दोस्त भी है वो सुपर गर्ल। सुपर गर्ल गोल्ड हल्क आ गई यार, वेलकम वेलकम, मेरे साथ योगा करोगे क्या? अरे नहीं नहीं बस आज तो यार तुम योगा करते हुए बहुत ज्यादा अच्छे लग रही हो। अरे थैंक यू, मेरी फुर्ती और पावर का है ना राज ही है, मैं तो रोज सुबह शाम 4 बार योगा करती हूँ, एकदम मस्त रहती हूँ योगा करके। अरे यार एक काम करो यार, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी 2-3 फोटो निकाल दूँ क्या मैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड फोटो निकाल दो। ओके ये देखो इनकी फोटो निकाल दी। अरे यार तू तो गोल्ड हल्क है, तेरे को कितना बेनिफिट होता है, सारी हीरोइन तेरे से फोटो खिंचाने के लिए एग्री हो जाती है। हाँ हाँ ये देखो ओके, अरे ये देखो थोड़ा सा मुंह नीचे करो। ओके गाइस ये देखो आई थिंक परफेक्ट शॉट आ गया। नहीं 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 मैं इनका फेस थोड़ा सा ढंग से कवर हो गया, रुको रुको मेरे को एक दूसरा फोटो निकालना पड़ेगा जिसमें ना फोटो ढंग से आए। ये देखो ये वाले पोज की फोटो लो, पीछे देखो कितना अच्छा एनवायरनमेंट आ रहा है। अरे हाँ देखो स्कूल में किसी ने पनिशमेंट दी ना, ऐसा लग रहा है तुम्हारे को। अरे मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता, चलो मेरी फोटो भेज दो मेरे को हीरोइन बनाने के लिए। अरे हाँ भेज दी भेज दी। अरे वाह वाह बहुत अच्छा लग रहा है यार, मजा आ गई मेरे को तो, पैसे पैसे भेज दूंगा मैं तुझे, बस अब एक और फोटो चाहिए मुझे। अरे हाँ मुझे पता है तेरे को एक और फोटो चाहिए, पर गाइस देखो यार ये वाली फोटो खींचना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फेमस हीरोइन रखती है कटरीना जैसी, प्रीटी जिंटा जैसी, उसकी फोटो लेनी है। ये देखो यहाँ पे खड़ी है। ओह माय गॉड लुक एट मी, आई एम सो ब्यूटीफुल, मेरे बाल देखो ये ज्यादा अच्छे है, और सबको देखो कितना ज्यादा सुंदर है, किसी को मेरी फोटो नहीं लेने दूंगी मैं, मैंने बहुत तगड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है। हाँ गाइस वही बात है, ये है ना ये वाली हीरोइन ने तो बहुत तगड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है। पर देखो गाइस मैं भी एक गोल्डन ऑल फादर दबंग हल्क हूँ, ऐसे हार थोड़ी मारने वालों में से हो। देखो मैंने क्या कर रहा है ना, मैंने मेरे कैमरा के ऊपर एक तगड़ा सा लेंस लगा लिया है, अब ये लेंस से देखो मैं ऐसा भयंकर जूम करूंगा ना कि यहाँ से अच्छी फोटो आ जाएगी। अरे ये देखो अभी तो
तो ढंग से जूम काम नहीं कर रहा, पर ये देखो ये जूम लगाया मैंने, ओ बहुत बढ़िया जूम लगाया। अब ये जैसे ही ना अपनी टांग ऊंची करेगी वैसे फोटो ले लूंगा। ओए ले ली ले ली ले ली, अरे वाह 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 फ्रैंकलिन, ये तो बहुत ही तगड़ी फोटो ली यार तूने, इसके तो मैं तुझे $30,000 दूंगा, मतलब मैं तुझे $100,000 टोटल दे रहा हूँ। क्या $100,000 टोटल दे रहे हो? चलो गाइस यार मेरा काम तो हो गया, यहाँ पे जाता हूँ। वाह वाह यार ला सारी फोटो मुझे दे दे और ये ले तेरे पैसे। ओ गाइस ये देखो यार इसने जो मुझे पैसे दिए उससे तो मैं एक अच्छे गोल्ड हल्क में कन्वर्ट हो गया हूँ। और ये देखो क्या तगड़ा गोल्ड हल्क लग रहा हूँ यार, मेरे पास तो हल्की फुल्की फायर की पावर्स भी आ गई है। मैं वॉक कर रहा हूँ तो देखो आजू बाजू से फायर निकल रही है, बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ ना मैं तो, इसकी इतनी तगड़ी पावर्स का मैं क्या करूंगा। ओए फ्रैंकलिन पुत्र यार मैं देख रहा हूँ यार तुमने काफी तगड़े पैसे कमा लिए और तुमने खुद को एक 3-headed गोल्ड हल्क में भी कन्वर्ट कर लिया है, पर अभी तुम एक प्योर गोल्ड हल्क में कन्वर्ट नहीं हुई हो। अरे हाँ यार प्योर गोल्ड हल्क में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, पर देखो मेरे पास एक गोल्ड हल्क की सारी पावर आ गई है, मेरे आजू बाजू ये लिक्विड गोल्ड घूम रहा है यार, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये। ओए पुत्र जी हाँ स्ट्रॉन्ग तो हो जाता है, पर अगर तुम है ना मेरे पास यहाँ पे आओगे और मेरे कॉम्पिटिशन में पार्ट लोगे तो फिर यार तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। क्या और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो? तुम मुझे पैसे दोगे क्या? ओए पुत्र जी हाँ मैं तुम्हें और सोना दूंगा जिससे तुम फटाफट से खुद को एक दद्दू हल्क में अपग्रेड कर लोगे, वो भी गोल्ड वाले। अरे वाह क्या बात बोली यार तुमने। गाइस मैं तो जल्दी से चल रहा हूँ यार वो कॉम्पिटिशन में पार्टी ने जहाँ पे मैं पैसे जीत सकता हूँ बहुत सारे। ये देखो यार गाइस अभी तक तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि तुम्हारा फेवरेट गोल्डन हल्क कौन सा है। तो चलो जल्दी से कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने चलते, लेट्स गो। ओ गाइस ये देखो यार यहाँ पे पता नहीं गटरों के पास कौन सा कॉम्पिटिशन हो रहा है, यहाँ पे बाजू में मिलिट्री बेस भी है, पर मेरे प्यारे दद्दू हल्क ने मुझे यहाँ पे बुलाया तो मैं यहाँ पे आऊंगा। हेलो हेलो जी, हेलो दद्दू हल्क। ओए पत्थर जी वेलकम यार, तुम्हारा हैंडसम दद्दू हल्क ने तुमको यहाँ पे बुला लिया, कैसे लग रहा हूँ मैं? अरे एकदम मस्त प्योर गोल्ड के लग रहे हो आप तो यार, इनकी आंखें भी सोने की है, छाती भी सोने की, हाथ भी सोने के, इनके जैसा बनना है मुझे यार मेरा मीटर को फुल करके। ओए पत्थर जी देखो यार अगर तुम्हें मेरे जैसा चाहिए तो यार मैं तुम्हारे को एक है ना सोने की बोरिया दे सकता हूँ। क्या आप मुझे सोने की बोरिया दे सकते हो? ओए पत्थर जी हाँ ये देखो यार यहाँ पे है ना मैंने ये वाले एरिया में बहुत सारी सोने की बोरिया छुपा रखी है, ये देखो ऐसी सोने की बोरी है, इसके अंदर सोना ही सोना भरा हुआ है, अगर तुमने ये बोरी को है ना ढूंढ ली निकाला तो फिर यार तुम्हें इसका सारा सोना तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ऐसी अगर तुमने 5 बोरियां ढूंढ ली तो तुम्हारा अपग्रेड हो जाएगा। अरे वाह 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 अपग्रेड हो जाएगा। और पुत्र जी तुमने ये बार खुद को अपग्रेड कर लिया तो फिर यार मैं तुम्हें एक और जगह लेके जा सकता हूँ जहाँ पे सिर्फ प्योर गोल्ड के हल्क को आना अलाउड है। अरे मुझे तो वहाँ पे जाना ही है जहाँ पे प्योर गोल्ड के हल्क को आना अलाउड है, पर उसके लिए मुझे ऐसी बोरी ढूंढनी पड़ेगी। कोई बात नहीं यार यहाँ पे तो बहुत सारी बोरियां छुपा रखी हुई ना। और पुत्र जी मैंने ज्यादा बोरियां नहीं छुपाई है। अरे ये कौन आ गया भाई शैतान? पैन पैन को भी अपग्रेड होना गोल्डन हल्क में, पैन पैन को भी सोना चाहिए। अरे ये कौन आ गया यार? बैन बैन को भी दद्दू हल्क ने अपग्रेड होने का प्रॉमिस किया था। ओए पुत्र जी बैन बैन तुम बाद में अपग्रेड हो जाना, अभी फ्रैंकलिन को अपग्रेड कर दू। नहीं 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 बैन बैन को भी अपग्रेड होना, बैन बैन को अपग्रेड होना। अरे अब क्या करूँ यार ये भी यहाँ पे अपग्रेड होने आ गया। ओए पुत्र जी कोई बात नहीं यार यहाँ पे देखो 5 से तो ज्यादा बोरिया, एक काम करते ना तुम दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन रख लेते, यहाँ पे जिसने भी सबसे ज्यादा बोरिया ढूंढ ली यार उसको है ना फटोफट से अपग्रेड मिल जाएगा। 5 बोरिया ढूंढनी है तुम्हें, तुम दोनों में से जिसने भी 5 बोरी सबसे पहले ढूंढी वो जीत जाएगा। पैन पैन ही ढूंढेगा, पैन पैन। अरे नहीं नहीं मैं ढूंढूंगा यार, मैं सोने वाला हल्कू। ओए पुत्र जी तो चलो कॉम्पिटिशन को शुरू करते हैं। गाइस ये बैन बैन तो एक नंबर का बुद्धू है, मेरे को कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, मैं तो आराम से पैसे कमाऊंगा, 5 ही तो बोरियां ढूंढनी आसानी से ढूंढ लूंगा मैं तो सोने को स्मेल भी कर सकता हूँ, ऐसे स्निफ 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 करके कर लूंगा सोने को ढूंढ लूंगा मैं। नहीं नहीं बैन बैन जीतेगा, ये देखो बैन बैन ने पहली बोरी तो ले भी ली, ये ली बैन बैन ने बोरी। अरे नहीं नहीं चीटिंग करी, ये तो दोनों की बोरी थी। अरे नहीं बैन बैन की बोरी थी, बैन बैन को तो एक और बोरी दिख रही है, ये देखो ये भी ले लेगा बैन बैन। ओए नहीं 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 बैन बैन रुक जा, गाइस ये देखो यार इससे तो दूसरी बोरी भी ले ली, ये बैन बैन को तो 2 बोरियां मिल गई। ओए बैन बैन के बच्चे रुक जा। ओए पुत्र जी ये बैन बैन के पास तो 2 बोरियां आ गई है, क्या कर रहे हो यार, ये अगर इससे 3 और ढूंढ ली तो तुम हार जाओगे। अरे नहीं 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 बैन बैन के बच्चे रुक जा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। बैन बैन को बोरी चाहिए, बोरी चाहिए, यहाँ पे से सोने की स्मेल आ रही है, ये रही एक और बोरी। ओए रुक जा मुझे लेने दे। नहीं 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 बैन बैन ही बोरी लेगा। ओए गाइस तो ये भी बोरी ले ली, बैन बैन को एक और बोरी की स्मेल आ रही है, चलो चलो बैन बैन उधर जाएगा बोरी लेगा। ओए बैन बैन के बच्चे रुक जा, गाइस तो देखो मेरे को कितना पीछे छोड़ दिया है। बैन बैन को एक और सोने की बोरी मिल गई, मतलब बैन बैन के पास तो 4 बोरियां हो भी गई। ओ नो गाइस देखो बैन बैन ने तो 4 बोरियां ढूंढ भी ली, अब मैं क्या करूँ? ओए पत्थर जी अगर उसने एक और बोरी ढूंढ ली ना फिर तुम पक्का हार जाओगे। अरे बैन बैन का बच्चा कहाँ है गाइस? देखो वो तो कहीं पे बहुत दूर जगह गया हुआ है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे को है ना और सोने की बोरियां ढूंढनी पड़ेगी। नहीं बैन बैन
ही तुम्हारी बोरिया लेगा। अरे बैनमैन के बच्चे क्या कर रहा है? अरे ये कैसे हो गया? बैनमैन तो टेलीपोर्ट करके तुम्हारे पास आ गया। गाइस देखो सामने एक सोने की बोरी है, ये तो मैं लूंगा बैनमैन। नहीं नहीं बैनमैन को लेने दो, आखिरी सोने की बोरी बैनमैन की। नहीं 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 नहीं। ओ गाइस देखो एक बोरी तो मुझे भी मिल गई, और बोरियां ढूंढनी है कहाँ पे? नहीं नहीं बैनमैन को भी एक ही बोरी ढूंढनी है, बैनमैन बोरी लेगा सारी। अरे नहीं 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 नहीं, बैनमैन नहीं हल्क बोरी लेगा। कहाँ पे कहाँ पे? गाइस देखो सामने है ना वहाँ पे थोड़ा सा एरिया, वहाँ पे एक बोरी तो पड़ी होगी। नहीं नहीं बैनमैन बोरी लेगा, बोरी वहाँ पे नहीं होगी। अरे एक सेकंड गाइस, पर यहाँ पे देखो गटर के वहाँ पे तो सब जगह बोरियां पड़ी थी। अरे यहाँ पे पड़ी है क्या? अरे यहाँ पे भी एक बोरी पड़ी है, जल्दी से लेता। नहीं नहीं बैनमैन को चाहिए, बैनमैन को चाहिए। अरे ये फ्रैंकलिन तो बहुत बुरा है। अरे मैं तो बहुत बुरा ही हूँ, ये ला इसको तो गाइस मैं ये लूंगा। अरे बैनमैन का गुस्सा आ रहा है, तुम्हें छोड़ेगा नहीं फ्रैंकलिन। अरे बैनमैन का गुस्सा, मैं तेरे से डरता थोड़ी, ये ले। बैनमैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये लो। अरे ये क्या कर रहा है बैनमैन, तो मुझे मार रहे दद्दू हल्क। आई पत्थर जी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड दिस इज वॉर। अरे अच्छी बात है, क्या वॉर है ये? बैनमैन के बच्चे, ये ले घुसा खा। बैनमैन को मार रहा है, तू मेरी बोरी ले रहा है। अरे बोरी तो लूंगा ही ना, तूने भी बोरी नहीं ली, मेरे पास तो दो ही बोरी आई है, तेरे पास तो चार बोरी है भाई। यार ये तो बैनमैन तो मेरे से कितना आगे चल रहा है। ये ले बैनमैन के बच्चे दाल रोटे कच्चे। चलो ठीक है यार, इससे तो मैं लड़ाई करता रहूंगा। देखो इसको चकमा देके भाग गया। बैनमैन फ्रैंकलिन को छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे तो सोने की बोरी रखी हुई होगी दद्दू हल्क ने। गाइस तुम्हें सोने की बोरी कहीं पे दिख रही है क्या? आ आ आ आ, अरे ये रही ये रही ये रही, एक सोने की बोरी, ये ले जल्दी इसको लेता। बैनमैन की बोरी, बैनमैन की बोरी। अरे कोई बैनमैन की बोरी नहीं है। अरे बैनमैन तुझे छोड़ेगा नहीं फ्रैंकलिन। अरे तू मुझे नहीं छोड़ेगा। आउच 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 आउच। अरे तो गुस्से मारे जा रहा है। रुको 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 रुको, इसको एक पंच दो। ये देखो टॉस किया और झक दो मार दिए इसको। अब गाइस देखो मेरे पास भी तीन बोरी हो गई है, मुझे बस थोड़ी सी और बोरियां ढूंढनी। अरे बाप रे, मुंह के बल जाके गिराओ, कहाँ पे रखी यार? कहीं ना कहीं तो होगी, मेरे को मेरे गोल्ड के सेंसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहाँ पे है बोरियां, कहाँ पे है? से बच के मत भागो। अरे एक सेकंड, ये रही एक और बोरी, जल्दी इसको ले लेता। बैनमैन लेने नहीं देगा ये वाली बोरी। अरे बैनमैन तो गाइस सच्ची में बहुत ज्यादा पास खड़ा है, मुझे ये वाली बोरी लेनी नहीं। देखो बैनमैन तेरी ऐसी तसी, ये खा घुसंड। बापरे, अरे कितना ज्यादा मार रहा है बैनमैन, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला यार। अरे गाइस को फर्स्ट पर्सन में कहा देख लिया, मैं तो पूरा डर ही गया। बैनमैन ये बोरी खुद लेगा तुझे मार के। अरे नहीं बैनमैन कुछ नहीं करेगा, ये ले भाई। गाइस ये देखो, अरे बाप रे, तो बहुत ज्यादा घुसंड मार रहा है, मेरे में से आग निकल रही, फिर भी इसको कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा। ये देखो ये ले, अबे तेरी ऐसी तैसी, ये ले, तू बहुत ज्यादा मारने की सोच रहा है मुझे। ये देख डॉज किया, ढाई 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 मार दी, तेरी ऐसी तैसी, मेरे से कुछ पंगा लेगा, सिर्फ दो सोने की बोरी चाहिए मुझे। आए पुत्र जी, हाँ यार मारो मारो, बहुत तगड़ा मार रहे। अरे दद्दू हल्क तुम भी बैनमैन की साइड नहीं हो। अरे कोई भी बैनमैन की साइड नहीं है, बैनमैन तो तू तो हारेगा, ये ले। रुक जाओ गाइस, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा गया। ये देखो ये ले, मैंने जो तीन सोने की बोरियां है ना एब्जॉर्ब करी, उसकी पावर आ गई है। बैनमैन को तो उड़ा दिया। हाँ गाइस देखो, मैंने बैनमैन को उड़ा दिया। चलो यार यहाँ पे मेरी चौथी बोरी है, इसको भी जल्दी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता हूँ मैं। ओ ये लो, चलो मेरी और बैनमैन की सेम बोरी हो गई, मुझे सिर्फ एक और बोरी चाहिए। एक सेकंड गाइस, वहाँ पे देखो सामने क्या पड़ा है, एक और सोने की बोरी है, मिल गई मुझे। आए पुत्र जी, उठा लो जल्दी से इसको उठा लो। ओ गाइस ये देखो, ओ गाइस एक सेकंड ये देखो, अरे मैं भी दद्दू हल्क की तरह एक हैंडसम हल्क बन चुका, और देखो मेरे में से भी आग निकल रही है। आए पुत्र जी, वेरी नाइस यार, तुम्हारे पास बहुत तगड़ी पावर्स आ गई है। अरे हाँ हाँ ये देखो यार, मैं तो क्या मस्त फायर की पावर्स इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा हूँ ना मैं। आए पत्थर जी, अभी तो तुम और भी ज्यादा डेंजरस हो जाओगे जब तुम्हारे पास जायंट 24 कैरेट गोल्ड हल्क की पावर आ जाएगी। व्हाट, जायंट 24 कैरेट गोल्ड हल्क की मेरे को पावर मिल सकती है? आए पत्थर जी, क्यों नहीं मिल सकती, अगर तुम अपग्रेड हो जाके कॉम्पिटिशन जीत जाओगे तो हो जाएगी। क्या एक और कॉम्पिटिशन? आए पत्थर जी हाँ यार, एक और कॉम्पिटिशन है, पर वो इससे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्या तुम तैयार हो उसके लिए? अरे हाँ तैयार हूँ पूरा तैयार हूँ। गाइस ये देखो यार, यहाँ पे मैं फायर का बॉल भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं दद्दू हल्क से बात करता भूल गया। ये देखो मेरे आजू बाजू मोल्टन गोल्ड घूम रहा है ना, इसको मैं एक ड्रैगन में कन्वर्ट कर सकता हूँ और हवा में उड़ा सकता हूँ। ये देखो यार, वो दिख रहा है, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं कंट्रोल कर रहा हूँ, जहाँ चाहूँ मैं उसको वहाँ पे लेके जाके फोड़ सकता हूँ। ये देखो जैसे यहाँ पे फोड़ दिया, तो यार मेरे पास बहुत तगड़ी पावर हो गई है, और एक जायंट 24 कैरेट की गोल्ड हल्क में अपग्रेड होने का भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो जल्दी से मैं चलता हूँ मेरे दद्दू से मिलने, जो मुझे एक और कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने दे रहे, क्योंकि अब तो मैं 24 कैरेट प्योर गोल्ड हल्क में कन्वर्ट हो गया ना,
इसके लिए मैं प्योर गोल्ड के हल्के कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकता हूँ। गाइस देखो, जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तब मैं सिर्फ एक फ्रैंकलिन था, मैंने मेरे पैसे वेस्ट कर दिए थे उस घटिया सी बाइक में, पर अब देखो मैंने मेरे पैसों का सही इस्तेमाल किया तो कितना तगड़ा हल्क में कन्वर्ट हो रहा हूँ। लेट्स गो गाइस, जल्दी से कॉम्पिटिशन में चलते है। ओके गाइस, ये देखो एक और कॉम्पिटिशन में पहुंच गया। एक सेकंड, यहाँ पे क्या हुआ? अरे यहाँ पे भी बैंडमैन आ गया। बैंडमैन तुझे छोड़ेगा नहीं फ्रैंकलिन, बैंडमैन अपग्रेड होकर रहेगा। अरे मुझे भी अपग्रेड होना है, बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ मैं। अरे ये केव ट्रोल यहाँ पे कैसे आ गया? अरे मुझे भी अपग्रेड होना है, मेरे को पैसे चाहिए, खिलौने चाहिए मुझे बहुत सारे। अरे छोटा बच्चा भी आ गया, और ये कौन है? फ्रैंकलिन, मैं सारी गोल्ड हल्की पावर को एब्जॉर्ब कर लूंगा उनके सोने से और लॉस सैंटोस पे राज करूंगा। अरे ये इविल लोगों को अपग्रेड कॉम्पिटिशन में क्यों बुलाते हो दद्दू हल्क यार? आए पत्ता जी, तुम जीत जाओगे तो किसी और को गोल्डन हल्का सोना और पावर नहीं मिलेगी। अरे हाँ बात तो यार, चलो गाइस ये देखो हम पांच जन यहाँ पे आ गए। दद्दू हल्क बताओ जल्दी से कॉम्पिटिशन में करना क्या और हम जीतेंगे तो हमको मिलेगा क्या? आए पत्ता जी देखो, तुम पांचों को ये बहुत ज्यादा तगड़ा कॉम्पिटिशन करना है और ये कॉम्पिटिशन को पार करके जो भी यहाँ पे फिनाली तक पहुँच गया उसको इतना सारा सोना मिल जाएगा कि वो सब कुछ एब्जॉर्ब करके जायंट गोल्डन हल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें ये वाले एरिया के अंदर जाना पड़ेगा, तुम जैसे यहाँ पे आओगे तुम्हें ऑटोमेटिकली सोना मिल जाएगा, पर यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होने वाला, तुम्हें ये सारे ऑब्स्टिकल्स को डॉज करना पड़ेगा। अरे हाँ क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है? देखो गाइस देखने दो यार, यहाँ पे से देखो सबसे पहले तो हम पांचों को अपनी पसंद पसंद की बाइक लेनी है। यहाँ पे देखो तीन गोल्डन बाइक है, एक ग्रीन बाइक है, एक रेड बाइक है, ठीक है। फिर देखो हमें ये बाइक आगे लेके जानी है, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, सारे विंड मिल्स है, इन पे अगर टच भी हो गए ना तो हम लोग उड़ के चले जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे से हमको आगे जाना है। बाप रे यार, यहाँ पे आग वाग लग रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। फिर ये देखो ये उल्टी गाड़ियों पे से हमें जंप करना है और यहाँ पे भी ये भी है। उसके बाद देखो हमें और आगे जाना है। बाप रे यहाँ पे और भी ज्यादा एक्सप्लोजन है। पत्थर जी उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहला डिसीजन आएगा कि तुम्हें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। जो जैसे जाएगा उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे। उसके बाद तुम्हें आगे भी बढ़ने का डायरेक्ट ऑप्शन है। क्या मतलब राइट भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं और डायरेक्ट सीधा भी जा सकते हैं? ये तो काफी ज्यादा मुश्किल चॉइसेस हो जाएगी। देखो फिर उसके बाद है ना, यहाँ पे इतने सारे बॉम्ब गिर रहे, अगर बॉम्ब टच हो गए तो फोड़ देंगे ना हमें, और अगर इनसे बॉम्ब से बच गए तो फिर हम आगे जाके यहाँ पे पहुंच जाएंगे। पत्थर जी यस बिल्कुल सही बोला गाइस, काफी ज्यादा तगड़े ऑब्स्टिकल्स है, इनसे तो बचना काफी मुश्किल होने वाला है, पर ये करके रहूंगा मैं तो। पत्थर जी हाँ, करना तो सबको पड़ेगा ही, तो चलो ये कॉम्पिटिशन को मैं स्टार्ट करूँ। उससे पहले सब जन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में मनी का इमोजी डाल देना। सबसे पहले हमारे छोटू बच्चा जाने वाला, क्योंकि इसकी उम्र सबसे कम है। अरे अरे अरे, मैं तो बहुत अच्छे अच्छे खिलौने लूंगा, मैं यहाँ पे रेड कलर की बाइक लेकर आया हूँ, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये देखो ये बाइक पे बैठ गया, कितना मजा आएगा बाइक पे तो। गाइस ये देखो छोटा सा टेढ़िया भाई बाइक लेके जा रहा है। अरे एक सेकंड, ये क्या है? यहाँ पे तो बॉल पड़ा है। ओह खिलौने वाला बॉल, बहुत मजा आएगा। अरे खिलौने वाले बॉल से मत खेल भाई, आउट हो जाएगा तू। अरे नहीं नहीं, मैं आउट नहीं होगा। अरे ये बॉल तो नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, काम करता हूँ ना, ये दूसरा खिलौने वाला बॉल है ना, इसको लेके जाता हूँ, इसको आगे तक लेके जाऊंगा, फिर मेरे को पैसे भी मिल जाएंगे, खिलौने वाला बॉल भी मिल जाएगा। अरे नहीं भाई, तुम खिलौने वाले बॉल को छोड़, खुद आगे जा। नहीं नहीं, इसके बिना तो मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। अरे बॉल कहाँ जा रहा है यार? सही बोल रहे फ्रैंकलिन भैया, बॉल के बिना कुछ नहीं होगा, बॉल के साथ कुछ नहीं होगा, पर मुझे तो बॉल से खेलना है, क्या करूंगा मैं आगे जाके यार, यहाँ पे तो सब कुछ वेस्ट है। एक काम करता हूँ, थोड़ा आगे चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल तो बॉल के बिना नहीं लग रहा, एक काम करता हूँ, मैं तो बॉल ही लेने चला जाता हूँ। अरे बावला है क्या, पैसे से बॉल खरीद लेना ना। अरे नहीं नहीं, ये बड़ा वाला हल्क का बॉल चाहिए मुझे। ये देखो यहाँ पे तो मेरे को ये बाइक भी फ्री में मिल गई और ये बॉल भी फ्री में मिल गया, बहुत मजा आ गई। गाइस देखो यार, ये लड़के ने तो क्या किया भाई, इसने तो कंपटीशन से खुद को आउट कर दिया क्योंकि इसको ये बॉल से खेलना था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट यार इसको उसके पसंद के खिलौने तो मिल गए और इसको यहाँ पे एक फ्री में बाइक भी मिल गई और यहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े हल्के बॉल भी मिल गए। अरे हाँ, मैं तो खुश हूँ एकदम। भूगा भूगा, मुझे कोई बॉल नहीं चाहिए, मैं तो एक केव ट्रोल हूँ, मैं तो सारे पैसों को मेरी केव में लेके जाऊंगा, उनका पहाड़ बनाऊंगा और उन पे सोऊंगा। अरे तो तू छोड़ना यार, पैसे वैसे छोड़ दे, तेरे पास तो ऑलरेडी इतने सारे पैसे होंगे ना केव ट्रोल है, केव ट्रोल के पास तो गाइस बहुत सारा सोना होता है उनकी केव में। अरे हाँ पैसा तो बहुत सारा है, पर मुझे और भी ज्यादा पैसा चाहिए। अरे ये क्या है, यहाँ पे ये लकड़ी का टुकड़ा क्यों बार बार आ जा रहा है? ओए आगे जाने दे लकड़ी के टुकड़े। गाइस ये केव ट्रोल तो इतना बुद्धू है भाई, इसको पता नहीं चल रहा जब लकड़ी का टुकड़ा गायब होना तब आगे जाना है। अरे ऐसी बात है क्या? थैंक यू फ्रैंकलिन मुझे बताने के लिए। अरे मैं मेरा दिमाग जुबान बंद नहीं रख सकता था, मैंने ज्यादा जुबान चलाई, इसके लिए देखो केव ट्रोल आगे चला गया। ये देखो मैं तो और आगे जाऊंगा, अभी क्या करूँ, कौन सा रास्ता लूँ, यहाँ पे सब
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तो राइट से जाऊंगा, राइट से जाना राइट डिसीजन होता है। वो ये देखो चला गया मैं तो आगे। अरे ये देखो गाइस, ये केव ट्रोल क्या स्पीड में आगे जा रहा है। अरे ये क्या हो गया, अरे मेरा तो पोपट हो गया। एक सेकेंड, ये नीचे क्या हो रहा है। आ जाओ एक और रेस हो रही है। हाँ, मैं तो यहाँ पे सबको मार दूंगा, इनके पैसे लूट लूंगा। अरे चलो ठीक है, ये केव ट्रोल भी आउट हो गया, अब ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तेरी ऐसी तैसी, रुक जा, तेरे को छोड़ेंगे नहीं। अरे गाइस नीचे तो कलेश हो गया, कोई बात नहीं, देखो इनको कलेश करते हुए देखे अपने। हाँ सारा सोना मुझे ही चाहिए, मेरे को मेरी इविल पावर्स को बढ़ाने के लिए सोना चाहिए, गोल्ड हल्का, उससे मैं एक जायंट इविल मॉन्स्टर बन जाऊंगा, फिर लॉस सैंटोस मेरे कदम चूमेगा। अरे कोई कदम बुदुम नहीं चूमने वाला गाइस, देखो ये तो नहीं जीतना चाहिए, एक बार को बैंडमैन जीत जाए, पर ये नहीं जीतना चाहिए। बैंडमैन ही जीतेगा फ्रैंकलिन, बैंडमैन ही जीतेगा। तूने उसको मार के हटा के बहुत बड़ी चीटिंग करी थी लास्ट राउंड में, ये बार बैंडमैन ही जीतेगा। मेरे को तो शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट, इसके लिए मैं तो डायरेक्ट सीधा चला जाऊंगा। हाँ चलो एक काम करता हूँ, अब सीधा जाने के बाद थोड़ा सा इधर चला जाता हूँ। हाँ ये क्या हो रहा है, ये मेरा रास्ता क्यों रोक रहे। अरे एक सेकंड, मैं घूम के फिर से कहाँ पे आ गया। ओ नो नो नो, ये तो मैं नीचे गिर रहा हूँ। नहीं मैं नीचे नहीं गिरने दूंगा खुद को, मैं वापस से देखो ऊपर आ गया, कौन से रास्ते पे जाऊँ समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो नीचे गिर गया था। चलो एक काम करता हूँ, वापस से यहाँ पे जाता हूँ, मेरे को सारा सोना चाहिए। हाँ चलो चलो चलता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो ये डेंजरस बॉल आ रहे। एक काम करता हूँ, वापस से घूम के आता हूँ और ना पूरा रास्ता वापस से फुल स्पीड में आऊंगा, जिससे पूरी बढ़िया जंप कर सको। अरे पर इतना लंबा तो जंप ही नहीं है, इतनी ज्यादा स्पीड नीचे ज्यादा दूर चला जाएगा। ए नहीं जाऊंगा, तू तो चाहता है कि मैं नीचे गिर जाऊं। फ्रैंकलिन तू मेरा दुश्मन है, दुश्मन। चलो ये देखो जंप मारा मैंने। अरे ये फ्रैंकलिन के बच्चे ने तो सही बोला था, मैं तो बहुत ज्यादा दूर जाके गिर गया, मैं भी डिस्क्वालीफाई हो गया। सारा सोना ले लेगा और एक जायंट गोल्डन बैंडमैन में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, बैंडमैन तू कन्वर्ट मत होना। अरे बैंडमैन को कोई नहीं रोक सकता, फ्रैंकलिन ने मुझे लास्ट टाइम दोहरा दिया था, ये बार मैं फ्रैंकलिन से बिल्कुल नहीं हारूंगा। बैंडमैन फॉर द विन। गाइस क्या तुम बैंडमैन को जीतना देखना चाहते हो क्या, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ यार। ये देखो बैंडमैन तो क्या स्पीड में जा रहा है, और बाप रे हिंदी पिक्चर की हीरो की तरह जा रहा है भाई, फुल एक्सप्लोजन में से निकलते निकलते पूरा हीरो मूवमेंट है। ये देखो बैंडमैन तो कैसे मस्त निकल रहा है सारे ऑब्स्टेकल्स को डॉज करते हुए। अरे हाँ बैंडमैन तू तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये देखो गाइस ये बैंडमैन यहाँ पे भी आया। ये देखो बैंडमैन की पावर, ये देखो बैंडमैन स्नो भी हो गया, अब बैंडमैन जाएगा ये जीतने के लिए। ओ नो गाइस, काश बैंडमैन नीचे गिर जाए। अरे नहीं गिरेगा बैंडमैन नीचे। ओ नो फ्रैंकलिन की काली जुबान, कोई बात नहीं, ये देखो मैं दीवार पे भी मोटरसाइकिल चला सकता हूँ और ऊपर आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नीचे गिर गया, अब आउट हो गया, आउट हो गया। अरे नहीं बैंडमैन आउट नहीं हुआ है, बैंडमैन मोटरसाइकिल से गिरा नहीं है अभी। अरे अब गिर जा, अब गिर जा। अरे नहीं सच्ची में बैंडमैन तो नीचे गिर गया, फ्रैंकलिन और उसकी काली जुबान का क्या करूं। फ्रैंकलिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझसे लड़ाई करने आ रहा हूं। अरे दद्दू अल का आशीर्वाद दो यार, बैंडमैन मेरे से लड़ने आ रहा है, अगर जल्दी से मैंने खुद का अपग्रेड नहीं किया ना बहुत मारेगा मुझे बैंडमैन, मैंने ऑलरेडी उसका एक अपग्रेड तो चुरा लिया। फ्रैंकलिन बाइक पे मत बैठ, मैं आ रहा हूं। पुत्र जी नहीं नहीं तुम रुको मत यार, सब जन आउट हो गए, अब तुम ही बचे हो, तुम्हें ही जीतना है यहाँ पे। अरे हाँ डोंट वरी मैं ही जीतूंगा। ये देखो गाइस यहाँ पे काफी बढ़िया स्पीड से जा रहा हूँ। ओए ओए लकड़ी बीच में परेशान नहीं करना है ना। हाँ नहीं 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 करी। अब गाइस देखो मेरे पास राइट जाने का डिसीजन, लेफ्ट जाने का डिसीजन और सीधे जाने का डिसीजन है। मैं एक काम करता हूँ मैं राइट ही जाता हूँ, क्योंकि वो केव ट्रोल ने जैसे बोला था राइट जाने का डिसीजन ही राइट होता है, भले उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, पर गाइस यार मैं तो सही चीज कर रहा हूँ ना। ये देखो यहाँ पे एकदम बढ़िया से आ गया। ओके मेरा रास्ता चूज किया फ्रैंकलिन, मुझे थोड़ा सा सोना तो देना ना। अरे बिल्कुल भी सोना नहीं दूंगा, विजय दीनानाथ चौहान नाम है मेरा। चलो 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 चलो, ये देखो यहाँ पे जा रहा हूँ। ओए ये क्या हो रहा है, अरे यहाँ पे तो मेरी स्पीड थोड़ी कम पड़ जाएगी मुझे। नहीं 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 गाइस ये देखो जस्ट इनफ स्पीड है मेरे पास। ओए पहुंच गया, बहुत ज्यादा डेंजरस था अभी देखो। अरे यहाँ पे मुझे ये नहीं करना। अरे पापरे कहाँ उड़ के जा रहा हूँ, अरे अरे फिर से मेरे को उड़ के यहाँ पे आना पड़ा। भाई ये विंडमिल्स मेरे को परेशान क्यों कर रहे, मेरे दुश्मन है क्या। ओए पुत्र जी ये लोग तुझे नहीं चाहते जीतने दे, इसके लिए यार बैंडमैन ने पैसा खिला दिया, देखो इतने सारे बॉम्ब भी गिर रहे। अरे भले बॉम्ब गिरते, ये देखो मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये इसके अंदर घुसूंगा। नहीं नहीं बैंडमैन आ रहा है, बैंडमैन को चाहिए पैसे। अरे नहीं 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 नहीं, अरे गाइस ये देखो ये क्या हो गया। ओए पुत्र जी देखो यार, तुम तो पूरे प्योर गोल्ड के जायंट थ्री हेडेड हैंडसम हतद्दू हल्क बन चुके हो। अरे हाँ गाइस देखो यार, मैंने इतना सारा सोना एब्जॉर्ब कर लिया कि मैं तो जायंट साइज हो गई, और उसके साथ साथ देखो मेरे को तीन तीन हेड भी मिल गए, विंग्स भी मिल गए, इतनी तगड़ी पावर भी मिल गई। ओए पुत्र जी हाँ यार बहुत तगड़ी पावर मिल चुकी है तुम्हें तो। ओ गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, देखो तुम्हें भी वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और यार ये देखो जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है ये भी देखो बहुत अच्छा है। तो चलो मैं मिलूंगा तुम्हें GTA 5 अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।